एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आप सभी का। एंड दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ कि हम नाइट फ्लावरिंग जैस्मिन यानी कि पारिजातक के प्लांट को किस तरह से घर पर कटिंग से काफ़ी इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो आप देख पा रहे हैं ये प्लांट दोस्तों मैंने सीड से ग्रो किया था, जो कि मैंने एक बोनसाई के लिए तैयार कर रखा है। एंड दोस्तों पारिजातक को और भी काफ़ी नामों से जाना जाता है, जैसे नाइट फ्लावरिंग जैस्मिन है, पारिजात हर श्रृंगार है, शिवली हो गया। तो काफ़ी जगहों पर इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। एंड दोस्तों ये जैसे देख पा रहे ये दोस्तों इसी प्लांट से ली हुई एक कटिंग है, जो कि लगभग एक पेंसिल जितनी मोटी होगी। एंड दोस्तों हमें 6 से 8 इंच तक की कटिंग ले लेनी है जब। एंड दोस्तों ये जो आप देख पा रहे ये इसका नोड एरिया है दोस्तों, यहाँ से जो है नई ब्रांचेस निकलती है, नई शूट्स निकलती है। तो हमें दोस्तों इसी जगह से, इस नोड से 45 के एंगल में हमें कट करना है दोस्तों कटिंग को, कुछ इस तरह से। ये देख सकते हैं आप। एंड दोस्तों इसके बाद हमें करना यह है कि कटिंग का जो बॉटम है उससे हमें लगभग आधे से 1 इंच तक कटिंग को स्क्रैच कर लेना है, जो कि कटिंग का जो रूट स्टॉक है उसे मजबूत करने में काफ़ी सहायक होगा। ऐसा करने से दोस्तों हमारे कटिंग का जो रूट स्टॉक है वो काफ़ी आसानी से और काफ़ी मजबूत जो है ग्रो करता है। एंड दोस्तों रही बात अब सॉइल मीडिया की, तो ये मैंने एक डिस्पोजेबल ग्लास में सॉइल मीडिया ले लिया है, जिसमें 60% रिवर्स है और 40% जो है नॉर्मल गार्डन सॉइल है। एंड दोस्तों अब हमें करना ये है, हमें कटिंग को बॉटम से लगभग 2 से 2.5 इंच तक मिट्टी में कुछ इस तरह से डिप करके लगा देना है कटिंग को। इसके बाद दोस्तों हम कम से कम 10 से 12 दिन के लिए जो है कटिंग को सेमी शेडेड एरिया में रख देंगे, जहां पर डायरेक्ट और तेज सनलाइट ना आती हो। एंड दोस्तों इसके बाद हमें इंतज़ार करना होगा, तो चैनल में बने रहिए जब तक के वीडियो में। एंड दोस्तों अब वक्त है रिजल्ट का, तो ये रहा दोस्तों हमारा रिजल्ट कुछ इस तरह से। ये रिजल्ट दोस्तों लगभग 10 दिन के बाद का है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं काफी खूबसूरत सा रिजल्ट हमें मिला है दोस्तों। ये देखिए इस कटिंग के भी नोड से जो है काफी सारी ब्रांचेस जो है निकलने को तैयार है, काफी सूट्स आपको नजर आ रहे होंगे। और ये रहा दोस्तों फाइनल रिजल्ट, जो कि 45 दिन के बाद का है। एंड 45 दिन के बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी जो कटिंग है कितनी मजबूती के साथ में तैयार हुई है, कितनी ज़बरदस्त जो है ग्रोथ है हमारी कटिंग्स की। अब कटिंग्स हमारी जो है दोस्तों प्लांट्स में कन्वर्ट हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों ये भी देख लेते हैं कि हमारी जो कटिंग्स हमने ग्रो की थी आज से कुछ 45 दिन पहले, इनका जो रूट बॉल है किस तरह से ग्रो किया है। तो इसके लिए दोस्तों मैं इस कटिंग को, इस एक कटिंग को जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ। और आप देख सकते हैं कि काफ़ी आसानी से जो है हमारी कटिंग जो है वो जो रूट बॉल से जो है मिट्टी काफ़ी आसानी से निकल रही है। तो दोस्तों ये हमारे सॉइल मीडिया का जो जादू है, जो कि हमने सॉइल मीडिया इसमें यूज़ किया है, और उसी वजह से दोस्तों हमें 45 दिन के बाद ही इतने जल्दी इतना अच्छा जो है रिज़ल्ट देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हैं जो रूट बॉल है कटिंग का वो कितना शानदार जो है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा दीजिए, ताकि आने वाली कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। एंड तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।